हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। और हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो है ट्रिपल बेस यानी एरोंस का, पॉप का और लियोडली का। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम इन तीनों कंपनी के फेमस बेस लेने वाले और उनका करने वाले फुल कंपैरिजन। वैसे गाइस, ये तीनों कंपनियां हैं, इनके बेस काफी फेमस है, काफी ज्यादा लोग इसके बेस यूज करते हैं और वो साउंड में काफी अच्छा हमको प्रेशर देते हैं, काफी तगड़ी साउंड क्लियरिटी हमें देते हैं। सो फ्रेंड्स, इन तीनों में कंपनियों में से सबसे बेस्ट साउंड हमारे लिए कौन सा रहने वाला है, एरोंस का या फिर पॉप या फिर लियोडली का। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इन तीनों बेस का फुल कंपैरिजन करेंगे, उसके साथ ही इनकी क्या प्राइस रेंज रहने वाली है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हमारे इन सभी बेस के कैबिनेट से कि इनके अंदर कैसे कैबिनेट के डिज़ाइन है और कैसे कैसे स्पीकर है इसके अंदर यूज किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे बात करते हैं एरोंस के बेस की। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे एरोंस का SUB821 जो 3700 वाट की पावर के साथ में बेस आप देख सकते हो। बेस का डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, फ्रंट लुक की बात करें तो एक हैवी क्वालिटी ग्रिल और उसके अलावा यहाँ पर आप इसकी एरोंस की ब्रांडिंग देख सकते हो। कैरिंग के लिए यहाँ पर इसके साइड में चार हैंडल देखने को मिल जाता है। फिर फ्रेंड्स, इस बेस के कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पर आपका कैबिनेट का डिज़ाइन कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। इसके अंदर इसके स्पीकर से वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने लगा हुआ है, यानी एक कर्व बेस से थोड़ा सा हटके इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जैसा कि Q4 के बेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका जो थ्रो है वो काफ़ी लॉन्ग रहने वाला। इसके स्पीकर का जो पीछे का एयर पास है वो यहाँ से देखने को मिल जाता है। इस कारण फ्रेंड्स, इस बेस का परफॉर्मेंस से वो काफी बेटर रहने वाला है। और हमारे इस बेस के बैक पैनल के अंदर इसके स्पेकोन सॉकेट देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड बेस यानी LF9 का, जो लियोडली प्रो साउंड की तरफ से रहने वाला है। इस बेस का कैबिनेट है वो काफी फेमस है, काफी लोग इसके कॉपी कैबिनेट यूज करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, ये हमारा बेस है वो बिल्कुल ओरिजिनल LF9 का बेस है, जो यहाँ पर आप फ्रंट पैनल से देख सकते हो। एरोंस के बेस के मुकाबले इसके साइज है जो बेस की थोड़ी हमें छोटी देखने को मिल जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस में ये बेस भी काफी जबरदस्त रहने वाला है। तो इसके अंदर दो अलग अलग ग्रिल के पार्ट देखने को मिल जाते हैं, बीच में आपको एक जॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि ये फ्रेंड्स हमारा बेस है वो कर्व बेस के टाइप में डिजाइन दिया गया है, यानी ये वी शेप में भी बोल सकते हैं। इस बेस में स्पीकर होते हैं वो तिरछे यूज किए जाते हैं और इसके अंदर फ्रेंड्स BNC के स्पीकर यूज किए जाते हैं। बात करें इसके साइड पैनल की तो साइड के अंदर इसके कैरिंग के लिए हैंडल्स देख सकते हो। बैक पैनल के अंदर इसके अंदर भी न्यू ट्रिक्स पैकॉन देखने को मिल जाती है। और हमारा थर्ड बेस है वो है पॉप का, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। पॉप के स्पीकर्स काफ़ी बेटर होते हैं साउंड के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये है हमारा पॉप का जो 4000 वाट के पावर रेटिंग के साथ में है। यहाँ पर फ्रंट के अंदर आप इसकी ग्रिल देख ले सकते हो, साइड के अंदर इसके कैरिंग हैंडल्स और पॉप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाए। फिर फ्रेंड्स, बात करते हैं इन तीनों बेस के स्पेसिफिकेशन की कि कौन सा बेस है हमारे लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे एरोंस के SUB821 के स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर इसका पावर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर 3600 वाट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्पीकर की बात करें तो 21 इंच के दो वूफर इसके अंदर यूज किए गए हैं। इसकी वॉइस कॉल है वो हमें 6 इंच की लार्ज वॉइस कॉल मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी रेंज है वो यहाँ पर 31 से 200 हर्ट्ज के बीच रहने वाला है। सेंसिटिविटी की बात करें तो 108 dB की सेंसिटिविटी मिल जाती है। SPL 129 dB का मिल जाता है, 135 का पीक SPL मिल जाता है। इम्फेंडेस 4 ohms के साथ रहने वाला है। और वेट की बात करें तो इसका वेट 107 kg का रहने वाला है। और ये बेस है हमारा हॉर्न लोडेड बेस है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बेस की, जो है LF9। अब इसके भी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पावर के अंदर ये भी हमें 3600 वाट का पावर दे देता है। इसके अंदर स्पीकर की बात करें तो इसके अंदर LF ड्राइव है वो 18 इंची के दो स्पीकर यूज किए गए हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो यहाँ पर 30 से 190 हर्ट्ज के बीच रहने वाली है। SPL इसका काफ़ी ज़्यादा, यानी 140 dB का SPL मिल जाता है। सेंसिटिविटी की बात करें तो 104 dB की सेंसिटिविटी रहने वाली है। इम्पेडेंस इसका 4 ohms के साथ में रहने वाला है, क्योंकि ये दो स्पीकर के साथ में है। वेट इसका 92 kg के साथ है और ये भी हमारा हॉर्न लोडेड बेस है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेस की, तो वो है हमारा पॉप प्रोफेशनल का GL218B। ये बेस फ्रेंड्स हमारा 4000 वाट की पावर रेटिंग के साथ में आता है।
पावर यानी 4000 वाट आरएमएस पावर में मिल जाता है। इसके एलएफ ड्राइव की बात करें तो इसके अंदर भी 18 इंच के दो स्पीकर यूज किए गए, जिसके वॉइस कॉल है आपको 6 इंच की लार्ज वॉइस कॉल मिल जाती है। फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये 26 से 280 हर्ट्ज के मध्य आपको इसकी फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। एसपीएल 128 डीबी का मिल जाता है। सेंसिटिविटी की बात करें तो इसकी सेंसिटिविटी है वो 98 डीबी की मिल जाती है। इम्पेडेंस ये भी हमारे 4 ओम्स के साथ में रहता है। और बात करें इसके वेट की तो इसका वेट 109 केजी का मिल जाता है। ये भी हमारा हॉर्न लोडेड बेस है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे तीनों बेस की स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हो हमारे दो बेस है वो 18 इंच के साथ में मिल जाते हैं, जबकि हमारा एराउंस का बेस है वो 21 इंच के स्पीकर के साथ में हमें मिलता है। वैसे फ्रेंड्स इन तीनों कंपनी के बेस तो बेस्ट है ही है, लेकिन इन तीनों में से हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला वही हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एराउंस का 21 इंच का बेस है, जबकि दो है 18 इंच के बेस। सो फ्रेंड्स ये है हमारे तीनों बेस जो आपने देख ली, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन और उसके साउंड की कैलकुलेशन लोड के साथ में। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले पॉप की बात करें तो पॉप का यहाँ पर 4000 का पावर रेटिंग रहता है। इसके अंदर भी 18 इंच के स्पीकर यूज किए गए, जबकि हमारा एराउंस का है उसके अंदर 21 इंच के स्पीकर यूज किए गए। अब फ्रेंड्स फाइनली इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहने वाला है? अगर फ्रेंड्स आप पावर रेटिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपका पॉप का बेस है वो सबसे हैवी है पावर के हिसाब से, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इसके लियोडली का बेस है जो LF9, उसका साउंड का प्रेशर है वो हमको ज्यादा देखने को मिल जाता है। यानी एक तरह से लियोडली के बेस का जो साउंड का प्रेशर है वो सीधा आपको यहाँ यानी छाती पर पड़ेगा, और उसका लॉन्ग थ्रो भी काफी बेस्ट है, क्योंकि इस फ्रेंड्स इस बेस का जो SPL है वो 140 डीबी का हमको मिलता है। उस साउंड का प्रेशर है वो अराउंड और पॉप से हमको ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स इन तीनों में से सबसे फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप LF9 जो बेस ले सकते हो। इन तीनों में से सबसे बेस्ट बेस की बात करें तो लियोडली का LF9 रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स उसके अंदर वो स्पीकर यूज किए गए हैं वो BNC के स्पीकर्स हैं, और BNC के स्पीकर्स फ्रेंड्स एक तरह से RCF के स्पीकर को भी टक्कर दे सकते हैं, ऐसे परफॉर्मेंस रहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स LF9 की बेस की बात करें इस बेस का परफॉर्मेंस भी फ्रेंड्स बेस्ट है, क्योंकि इसका SPL हाई है और उसके अलावा इसकी वॉइस कॉल भी हाई है। इसके फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो भी काफी बेटर हमको देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स ये बेस्ट हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर बेस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पॉप का आप बेस ले सकते हो जो 4000 वाट की पावर रेटिंग्स के साथ रहता है। थर्ड नंबर पर हमारा आता है अराउंड का बेस जो 3700 वाट की पावर रेटिंग के साथ में रहता है, वो ले सकते हो। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।